वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास. बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्रंथि. एड्रिनल ग्रंथि को सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि जो है हमारी किडनीज के ऊपर, हमारे गुर्दों के ऊपर, वृक्कों के ऊपर पाई जाती है. जिस तरह से हमारी किडनी संख्या में दो होती हैं, तो यह ग्रंथि भी संख्या में दो होती है. दोनों किडनीज के ऊपर, दोनों गुर्दों के ऊपर यह जो है एक टोपी के आकार की स्ट्रक्चर बनाती है. यह ग्रंथि टोपी के आकार की संरचना में पाई जाती है. इसे सुप्रा रीनल ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किडनीज को रीनल भी कहा जाता है, वृक्कों को रीनल भी कहते हैं. तो यह रीनल के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, तो इसे सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है. इस ग्रंथि की लंबाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर होती है. सुप्रा रीनल ग्रंथि जो है इसे दो वर्गों, भागों में बांटा गया है. इसके जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं इसके. जो इसका बाहरी लेयर होती है, बाहरी परत होती है, बाहरी भाग है, उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं. और जो इसका आंतरिक परत है, आंतरिक भाग है, यह एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है. बाहरी भाग से अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और आंतरिक भाग से अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो इसका भाग है, उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेसिकुलाटा. इन तीनों हार्मोन्स को कंबाइंड रूप से इकट्ठा करके कॉर्टिकल हार्मोन भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट बात आती है कि कॉर्टिकल हार्मोन अगर कम मात्रा में स्रावित होता है, अल्प स्रावित होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से, तो उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है. इसके अल्प स्राव के प्रभाव, इसकी कमी से, जो कॉर्टिकल हार्मोन है इसकी कमी से एडिसन्स रोग हो जाता है, एडिसन्स बीमारी हो जाती है. इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट है इसमें मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे कि वो कार्य करने में उसको समस्या आती है. शरीर में सूजन आ जाती है, ओडिमा हो जाता है, बॉडी जो है पूरी स्वेल हो जाती है. रक्तचाप कम होता रहता है, व्यक्ति जो है जो वो कम हो जाता है. रोगी को बेचैनी होती है, वह चक्कर आते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती और थकान का भी अनुभव होता है. ये है एडिसन्स बीमारी के लक्षण. नेक्स्ट आती है हमारा जो पोर्शन है इसका, वो है एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल मेड्यूला से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है एड्रिनलिन हार्मोन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन. एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन को संयुक्त रूप से, इनको भी कंबाइन करके कैटेकोलैमिन कहा जाता है. कैटेकोलैमिन जो है इसके हमारी बॉडी में जो कार्य है वो निम्नलिखित रहते हैं कि यह हार्मोन रक्तदाब पर नियंत्रण करता है. हमारे रक्तचाप को यह हार्मोन सामान्य बनाए रखता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखता है. इस हार्मोन की अधिकता या फिर इसकी कमी से हमारा जो रक्तचाप है वो प्रभावित होता है. विपत्ति के समय साहस प्रदान करता है. मुश्किल समय में यह हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है और व्यक्ति को ऊर्जा देता है. यह व्यक्ति को साहस प्रदान करता है और जो मुश्किल घड़ी है उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करता है. जैसे कि अगर व्यक्ति कहीं खड़ा है, उसने कुछ सांप वगैरह देख लिया, तो उस समय उसके अंदर जो पावर आती है उस सांप से, सांप का सामना करने की, तो वो जो पावर है वो पावर हमें एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन की अधिकता के स्राव से होती है. उस समय यह हार्मोन एकदम से अधिक मात्रा में स्रावित होता है और मुश्किल घड़ी का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है. नेक्स्ट है चयापचय दर को बढ़ाना. हमारी बॉडी के अंदर जो अपचय उपचय की क्रियाएं होती रहती हैं, जो चयापचय की क्रियाएं होती रहती हैं कि पोषक तत्वों का टूटना और जुड़ना, उन क्रियाओं को भी बढ़ाने का ये कार्य करता है. नेक्स्ट है यकृत से अधिक ग्लूकोज
निकालना। विपत्ति के समय हमारे लीवर से, यकृत से अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होती रहती है और यह ग्लूकोज हमारे रक्त में पहुंच जाता है, जिससे कि व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्ति के बाद व्यक्ति जो है उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो यह हार्मोन यकृत से अधिक मात्रा में ग्लूकोज को भी निकालता है। तो एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य यही है कि यह हार्मोन विपत्ति के समय हमें साहस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्लास में हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में करेंगे। थैंक यू।